अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इकरा फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। हियर इज बुक नो योर वर्ल्ड, बुक 3। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, पेज नंबर 28। हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, हम एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। हेलो, माय नेम इज समीर। मेरा नाम समीर है। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी बनना चाहता हूँ। ये हियर इज़ समीर, ठीक है। आई नो दैट टू बी अ गुड सिटीज़न आई मस्ट बी ओबे द रूल्स ऑफ माई कम्युनिटी। मैं जानता हूँ कि एक अच्छा शहरी बनने के लिए मुझे अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। सम ऑफ दीज रूल्स मे बी अबाउट सेफ्टी। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो शायद सेफ्टी के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन वी राइड इन अ कार और क्रॉस अ स्ट्रीट। हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, जब हम कार राइड कर रहे हों, ठीक है, गाड़ी चला रहे हों और रोड क्रॉस कर रहे हों, जब वेयरिंग अ सीट बेल्ट कीप अस सेफ। हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए सीट बेल्ट को पहनना चाहिए। 8:30 इज़ अ गुड टाइम टू गो टू बेड, 8:30, ठीक है। 8:30 एक अच्छा टाइम है और सही टाइम है बेड पर जाने के लिए, यानी कि रात के सोने के लिए। एट होम देयर मे बी रूल्स अबाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग, दीज रूल्स हेल्प अस स्टे हेल्दी। घर में रूल्स होते हैं खाने के, सोने के, और ये रूल्स हमें हमारी सेहत को हेल्थ बैलेंस और हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वी फॉलो रूल्स व्हेन वी प्लेइंग, जब हम खेल रहे हों तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। स्कूल्स हैव रूल्स टू, स्कूल्स में भी रूल्स होते हैं। वी फॉलो रूल्स व्हेन वी प्ले एंड इन द क्लासरूम, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम खेल रहे हों और जब हम क्लासरूम में हों। स्कूल रूल्स मेक लर्निंग ईजी, स्कूल रूल्स की वजह से हमें सीखने में आसानी होती है। एंड हेल्प अस टू गेट अलॉन्ग टुगेदर व्हेन वी प्ले, और हमें ये समझने में आसानी होती है कि हम एक साथ जब हम खेलें तो एक साथ कैसे रहें। वर्कर्स फॉलो रूल्स इन द वर्क प्लेस, वर्कर्स जो होते हैं वो अपने काम करने की जगह पर रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। देयर आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम, और वो ये रूल्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इनकी हिफाजत के लिए होता है फ्राम बींग हर्ट, ताकि वो ज़ख्मी ना हो जाए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे काम करते हुए। देयर आर रूल्स अबाउट हाउ दे डू देयर जॉब्स, और ये रूल्स उन्हें ये बताता है कि वो किस तरह से जॉब करें, काम करें। अ वेल्डर शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज आइज, वेल्डर होते हैं उन्हें हमेशा अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस लगाने चाहिए। अ मोटरसाइकिलिस्ट शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, और जो मोटरसाइकिलिस्ट है यानी कि जो बाइक राइड करते हैं उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। डॉक्टर शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स, और डॉक्टर्स को हमेशा ग्लव्स वेयर करने चाहिए। पंक्चुअलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, और पंक्चुअलिटी जो है वो क्या है, एक बेहतरीन रूल्स है और एक अहम रूल है पंक्चुअलिटी, यानी कि वक्त की पाबंदी। लाइक दिस, वन बाय वन सब एक क्यू में खड़े हैं, ठीक है, जब जिसका नंबर आ रहा है वो अपना काम करके जाते जाएगा, ठीक है, यानी कि वो ये लोग पंक्चुअल हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे, भीड़ नहीं लगा रहे, ठीक है। वी कैन नॉट ऑलवेज़ रिमेंबर ऑल द रूल्स एंड लॉज, और हम हमेशा क्या करते हैं कि हमें रूल्स और लॉज, यानी कि रूल्स जो हैं
और लॉज हमें याद नहीं रहते हैं। वी मस्ट फॉलो साइंस, हमें हमेशा साइंस को फॉलो करना चाहिए। एज दिस रिमाइंड अस टू व्हाट वी शुड और शुड नॉट डू, और ये साइंस हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लाइक कुछ साइंस हैं यहाँ पर, एग्ज़िट, यानी कि एग्ज़िट हमें ये बताता है कि हमें, हम जहाँ से एंटर हुए हैं वहीं से एग्ज़िट बाहर नहीं निकल सकते। जहाँ से एंटर हुए हैं उसके ऑपोजिट साइड से, जहाँ पर एग्ज़िट मेंशन होता है, लिखा होता है, हमें उस साइड से बाहर आना चाहिए। ये साइन हमें ये बताता है कि ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास का जो साइन बोर्ड होता है वो हमें ये बताता है कि हमें पौधे लगाने चाहिए। ये साइन हमें बताता है कि हमें जो गारबेज है, यानी कि कचरा है, कूड़ा करकट है, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। जहाँ पर भी रोड्स पर या जिन एरियाज में, जहाँ पर भी डस्टबिन होते हैं बाहर, जब हम बाहर निकलें तो बाहर भी हमें रोड्स पे कचरा नहीं डालना चाहिए। प्लीज़ ड्राइव स्लो, ये साइन हमें ये बताता है कि गाड़ी आहिस्ता चलाएँ। स्टॉप, स्टॉप का मतलब ये होता है कि रुक जाएँ। इस साइन का मतलब होता है नो पार्किंग, जहाँ पर ये साइन हो वहाँ पर पार्किंग नहीं होगी। और इस साइन का मतलब है कि हॉर्न ना बजाएं।